Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by step 3D studio max उर्दू जुबान में सीख रहे हैं. Students, 3D studio max के इस lesson के अंदर में आपको floor बनाने का method बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई AutoCAD की drawing है और उसको आप AutoCAD के अंदर भूल चुके हो floor बनाना, तो अब मैक्स के अंदर आप उसको कैसे रेडी करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. मैं अपने पास मैक्स को ओपन कर देता हूं. मेरे पास मैक्स ओपन हो चुका है और लास्ट दो तीन लेसन के अंदर जो मैंने काम किया था उसको मैंने लेयर के अंदर डाल के ऑफ किया हुआ है. अगर आप देखना चाहें तो अपने पास आप लेयर मैनेजर में चले जाएं. जैसे मैंने आपको बोला था आप डोर की लेयर्स बना लें, तो ये देखिए आपने डोर्स और विंडो जो थे वो मैंने लेयर के अंदर डाले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है. और अब मैं एक और लेयर बना लेता हूं जिसका नाम मैं यहां पर फ्लोर रखूंगा और इसको भी मैं ऑन रखूंगा अपने पास और इसके ऊपर मैं फ्लोर बनाना चाहूंगा. कैसे बनाऊंगा? मेक श्योर कि आपकी जो लेयर एक्टिव है वो फ्लोर की हो जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हो. मैं Alt W प्रेस करके और टॉप व्यू पे आ जाता हूं. ये मेरे पास मेरा टॉप व्यू है. फ्लोर मैंने बनाना है तो सिंपली कुछ स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं. उस स्टेप को आप फॉलो करेंगे आपका फर्श बनकर आ जाएगा. अब कैसे ये स्टेप्स हैं? सिंपली आपको चले जाना है एसपी लाइन के अंदर और यहां से आप एक लाइन पिक कर लेंगे, ठीक है. इस लाइन को पिक करते हुए आपके पास स्नैप्स एक्टिव होने चाहिए. मैं अपने पास 2D स्नैप्स को एक्टिव करूंगा 2.5 को और जैसे मैं यहां पर आया क्लिक क्लिक और बिल्कुल यहां पे जाके क्लिक कर दें और मैं एक क्लिक आई प्रेस कर देता हूं. ये है मेरे पास, ठीक है. तो यहां से मैं इस तरफ को क्लिक करूंगा. अगेन मैंने इस तरफ क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया और अगेन आप येलो पॉइंट्स पे जाकर क्लिक कर दें. आप यस कर देंगे आपके पास क्या होगा, तमाम के तमाम पॉइंट्स इधर बने हुए आ चुके हैं, ठीक. आप वापस पी प्रेस कर दें, प्रस्पेक्टिव व्यू पे आप चले जाएं, आपके पास ये आपके पास बनी आ चुका है. और सिंपल इसको बनाने का बहुत आसान मेथड है. आप यहां भी चले जाएं एक्सट्रूड के अंदर और एंटर कर दें. इसको आप वैल्यू दे देंगे. आप अगर इसको सिंपल वैल्यू देंगे तो ऊपर की तरफ ही आएगा, तो मुझको तो ऐसा नहीं करना. मैंने करना है, हाँ अगर आप इसको मूव करना चाहें बाद में वो अलग इशू है. मैं इसको तकरीबन 2 फिट्स की वैल्यू देना चाहूंगा, 24. लेकिन कैसे, इसको मैं माइनस में देना चाहूंगा. जैसे आपने माइनस में वैल्यू दी तो देखिए आपके पास ये नीचे की तरफ निकल कर आ चुकी है शेप, ठीक है. अभी आपके पास कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है. तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर फ्लोर डाल देते हो, फर्श वगैरह डाल देते हैं, उसको आपने कैसे सेटिंग करनी है, ठीक है. अब इसके आगे जो चीज आ जाती है वरांडा वगैरह या कुछ समथिंग लाइक दिस, ये चीजें इंशाल्लाह हम आइंदा लेसन के अंदर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ये मैं आपके ऊपर प्रोजेक्ट छोड़ता हूँ, इसको आप खुद ही करें. तो यहां मैं इसकी 18 कर देता हूं वैल्यू. तो ये अब वरांडा वगैरह कैसे बनाना है ये मैं आपको आपके ऊपर यानी कि एक वर्किंग आपको दे रहा हूं, आप इसको खुद काम करें इंशाल्लाह, ठीक है. नेक्स्ट लेसन में मैं हाजिर हूंगा एक और लेसन के साथ जिसमें मैं इसकी छत के ऊपर काम करता हुआ आपको दिखाई दूंगा. तो डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें. मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com. अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343-901-7779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com. अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा. मेरे अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ. उस तक के लिए इजाजत दें. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.